टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। भाई बता देता हूँ, बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस टाइम या इस वीक में आप शॉपिंग करते हो, स्मार्टफोन लेते हो, तो आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन सेल चल रही है, जो कि आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। आपको एक्सचेंज ऑफर देखने को मिल जाएंगे, आपको HDFC पे 10% ऑफ देखने को मिल जाएगा, और भी आपको ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो फ़ोन के प्राइजेज हैं वो वैसे भी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अभी आपको कम देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 15,000 के बजट में फ़ोन सर्च आउट कर रहे हो, तो आज मैं आपको दी बेस्ट स्मार्टफोन बता दूंगा जो कि 15,000 के बजट में आते हैं, जो कि आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यार वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो पूरी देखना, अगर स्किप आउट करना है तो प्लीज़ यार वीडियो को कट ऑफ कर दो ना यार। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन, रॉबिन औजला, वेलकम टू दी औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, भाई उसको चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा बात करते हैं हम नंबर फाइव की बात करूँ। नंबर फाइव पर आता है Realme Narzo 20 Pro। सबसे पहले इस फ़ोन की खासियत की बात करते हैं, तो आपको 65 वॉट का यार फास्ट चार्जर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको सही मिल जाती है। अगर आप गेमिंग लवर हो, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, भाई जितनी भी गेमिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। कैमरा एंड सेल्फी भी आपको लोडेड मिल जाती है। अभी बात करें माइनस पॉइंट की, तो प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलता है, तो आपको कवर डाल के यूज़ करना पड़ेगा। प्लस अगर उसके बाद हम बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की, अगर आप आउटडोर इसको यूज़ करते हो तो वो लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़ती है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको हीलियो G95 इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें बैटरी की, तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 65 वॉट का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिलती है, प्लस 128GB स्टोरेज, एंड डिज़ाइन वगैरह आपको मैंने बता दिया। बात करें प्राइस की, तो आपको 50,000 के बजट में देखने को मिल जाता है, उससे कम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपको एक्सचेंज ऑफर यूज़ करनी पड़ेगी या आपको कार्ड वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको बहुत सही प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने जाना है Realme Narzo 20 Pro की ओर, आप जा सकते हो, आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ, नंबर फोर पर आता है Realme 7। अगर इसके डिज़ाइन की बात करूँ, तो डिज़ाइन एंड लुक एंड कलर जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा सही आते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा सही देखने को मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा पूरा लोडेड है। बैटरी बैकअप आपको सही मिल जाता है, 15,000 के बजट में मिल जाएगा, उससे कम में भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। भी जितनी भी गेमिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, पूरा लोडेड फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 6.5 इंच सुपर स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको हीलियो G95 देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको दो बेड में देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ प्लस 8GB रैम के साथ। स्टोरेज भी आपको दो में मिलती है, 64GB प्लस 128GB, ठीक है। बैटरी की बात करूँ, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ, आपको 64MP क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करूँ, आपको 16MP सेल्फी भी इसमें देखने को मिल जाती है। तो मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, अगर आपने जाना है भाई Realme 7 की ओर, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आपका जैसे दिल करता है भाई आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर आता है सैमसंग F41। तो यार नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, सैमसंग ब्रांड कैसा है कैसा नहीं है आप सभी को पता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। ट्रिपल कैमरा है, बट ऐसे मत समझना कि ट्रिपल कैमरा तो फोटो ऐसे करेगा ऐसे करेगा, जो फोटो क्वालिटी है ना वो आपको पूरी लोडेड मिल जाती है। आपकी जो फोटो की डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा सही आती है, प्लस अगर आप नाइट में भी फोटोज़ वगैरह क्लिक आउट करते हो वो बहुत ज़्यादा सही आने वाली है। नया लॉन्च हुआ है, अगर आपने जाना है सैमसंग F41 की और आप जा सकते हो भाई, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज में देखने को मिल जाएगा भाई। बैटरी की बात करूँ, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 15W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 32MP सेल्फी देखने को मिल जाती है भाई, पूरा लोडेड है, जैसे भी दिल करता है आप कर सकते हो। प्लस नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, प्लस पॉइंट इसके बहुत हैं, फीचर्स इसके और भी बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे, मैं पूरे नहीं बता सकता, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे भाई, जो भी आपको फ़ोन सही लगता है
आप ले सकते हो, जैसे भी आपका दिल करता है आप कर सकते हो, लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे भाई। आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पर आता है सैमसंग A50s। अगर इस फोन के यार मैं फीचर्स की बात करूं, स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पूरा लोडेड फोन है। सबसे पहले बात करें तो नॉन चाइनीज फोन देखने को मिलता है। प्राइवेसी सिस्टम दी बेस्ट है, आपको मिलिट्री ग्रेड जो प्राइवेसी सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। फोटो, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स वगैरह कुछ भी आप रखना चाहते हो अपनी प्राइवेसी में, आप रख सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सैमसंग पे आपको इसमें देखने को मिल जाता है, प्लस आपको फास्ट चार्जर वगैरह तो नॉर्मली मिल ही जाएगा, प्लस इसका डिज़ाइन जो है, लुक जो है, वो आपको पूरी लोडेड देखने को मिल जाती है। और भी स्पेसिफिकेशन बहुत है, मैं आपको डीपली नहीं जा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, उसका कोई फायदा नहीं। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.4 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ तो दो वर्ड में देखने को मिलता है, 4GB रैम के साथ या 6GB रैम के साथ, जो भी प्राइस में सेट बैठता है भाई आप उसकी और जा सकते हो। बात करें कैमरे की तो आपको ट्रिपल कैमरा इसमें भी देखने को मिलता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP। बात करें फ्रंट कैमरे की, फ्रंट में आपको 32MP सेल्फी देखने को मिल जाती है, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, 15W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो अगर आप सनलाइट में भी इसको यूज करते हो तो वो क्वालिटी आपको दी बेस्ट देगा, प्लस आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें देखने को मिल जाता है। और भी स्पेसिफिकेशन है इसके, मैं पूरे अभी भी नहीं बता रहा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने जाना भाई सैमसंग A50s की, और आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं भाई नंबर वन की बात करूँ। नंबर वन पर यार मैंने दो फोन रखे हैं, दोनों फोन पूरे आपको लोडेड मिल जाते हैं। चाहे आपको बैटरी अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, गेमिंग फोन चाहिए, डिज़ाइन अच्छा चाहिए, आपको पूरा लोडेड देखने को मिल जाएंगे। दोनों फोन पूरे लोडेड हैं। बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 9 प्रो की प्लस पोको M2 प्रो की, पूरे लोडेड है। मेन स्पेसिफिकेशन मैं अभी आपको बता देता हूं, अगर आपने इन फोन की ओर जाना है आप जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सभी फोन के जो भी आप लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, आप कर सकते हो, जैसे भी आपका दिल करता है भाई आप कर सकते हो। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है भाई, जो भी आपके प्राइस में सेट बैठता है आप उसकी ओर जा सकते हो। कैमरे की बात करूँ, आपको कोर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 16MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। बात करें बैटरी की तो आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो पोको M2 के मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दी, अगर आपने जाना है पोको M2 प्रो की ओर आप जा सकते हो, पूरा लोडेड फोन है। प्लस जो कैमरा एप्लीकेशन में आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं ना दोनों फोन में, पोको M2 प्रो के प्लस रेडमी नोट 9 प्रो के, वो पूरे लोडेड है भाई। जितनी भी आप फोटोज़ वगैरह क्लिक आउट करना चाहते हो, सेल्फी लवर हो, गेमिंग करनी है, कुछ भी करना है, 15,000 के बजट में पूरे लोडेड फोन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यार अभी मैंने आपको 5 या 6 फोन बता दिए जो कि इस प्राइस रेंज में दी बेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा भाई, उसको चेकआउट कर लिया करो ना यार। तो भी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।